अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED BTC एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 सितंबर 2024। तो आज की आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स हैं, एक एक करके सभी कमेंट का आंसर किया जाएगा। और काउंसलिंग फीस को लेकर इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, जो यहाँ पर लिखा है रिफंड नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपने एक गलती कर दी तो आपके 5,000 रुपये भी डूबेंगे। 100, 200, 500 रुपये की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने ज़्यादा बड़ी गलती कर दी तो आपके 10,000 भी डूब सकते हैं। अब आप लोग के कमेंट्स को हम यहाँ पर पिक करेंगे, तो एक एक करके यहाँ पर सारे कमेंट्स हैं। सेमेस्टर के नंबर कैसे ऐड होंगे? सर, एडमिशन में मेडिकल भी लगता है। देखिए, आपको बता दें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं, डायट कॉलेज, तो वहाँ पर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको बनवाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर देखिए बच्चों के ढेर सारे सवाल हैं, हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर बच्चे सीरियल वाइज भी सवाल पूछे हैं, ये बढ़िया रहता है। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सीरियल से आप रखेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से किया जा सके, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो बच्चे सीरियल से क्वेश्चन पूछेंगे ना, उनके कमेंट के आंसर भी यहाँ पर पहले किए जाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं सवाल, फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप साइबर कैफे जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कम से कम आपके पास होना चाहिए? देखिए, आपको बता दें, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट, जिसमें आपके टोटल नंबर लिखे हों, नहीं तो आप उसको जोड़ कर जाइएगा। उसके बाद आपके हाई स्कूल का रिजल्ट होना चाहिए, 12वीं का रिजल्ट होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना जरूरी रहेगा। आपका मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, ईमेल आईडी, जिस पर मेल और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ सके, इतना कंपलसरी है। अगला सवाल, अगर फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद ईडब्ल्यूएस आय निवास बनवाओ तो कोई प्रॉब्लम होगी? तो इसका आंसर दोस्तों, देख लीजिए, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराना है उसको 9 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करवा लीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपका ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, बन जाना चाहिए। जैसे ये माना जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपने 9 अक्टूबर के बाद अपने आप EWS या OBC SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाया, तो वहाँ पर तो यही माना जाएगा ना कि आपने फॉर्म पहले फिल कर दिया, उस समय आपके पास सर्टिफिकेट था कि नहीं। मान लीजिए आज आपने डाल दिया कि भैया हम OBC कैटेगरी के छात्र हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपने कैसे डाल दिया OBC, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। तो सारे डॉक्यूमेंट्स 9 अक्टूबर के पहले रखने जरूरी रहेंगे। फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम निवास की जरूरत पड़ती है? देखिए दोस्तों, ये बाद में आपसे पूछा जाएगा, फॉर्म भरते समय ये पूछ लिया जाएगा कि आप यूपी के निवासी हैं या नहीं है। हो सकता है कि उसका जो नंबर रहता है वो भी इस बार मांगा जा सकता है। तो फिलहाल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा कर रखेंगे, निवास भी इसी के अंतर्गत आएगा, 9 अक्टूबर से पहले ये भी आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरते समय क्लियर कर रहे हैं कि हम यूपी के निवासी हैं कि नहीं। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर के मार्क्स ऐड होते हैं या लास्ट सेमेस्टर का? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आता है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, ओवरऑल रिजल्ट जोड़ा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से मतलब सेमेस्टर के नंबर ऐड होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर, यूपी डीएलएड के फॉर्म में हाई स्कूल 12वीं के नंबर भरने होते हैं? बिल्कुल हाँ, उसमें से बेस्ट ऑफ 5। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मन में और आ रहे हैं डाउट से, ठीक है ना, अभी तक आपने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, जैसे नंबर डाला था वैसे ही डालेंगे, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा यहाँ पर नया नहीं करना है। देखिए, अभी आपको नौकरी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अगर आपको डाउट ज़्यादा है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको डाउट ज़्यादा है सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो एक बार डायरेक्ट में संपर्क कर लीजिएगा। आप अपना डाउट क्लियर करके फॉर्म भरेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है, अगर आपके 235 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपको कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। सर, डायरेक्ट कॉलेज में अदर स्टेट्स को कितना परसेंट सीट मिलेगा? ठीक है, मेरे 241 नंबर आ रहे हैं। देखिए, एक बात बता दें, अदर स्टेट को लेकर एक बात सामने आ रही है कि पहले यूपी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जब पहले राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, और उसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अदर स्टेट के बच्चे
एक भी सरकारी सीट नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूपी के बच्चों को प्राथमिकता देने की बात रखी गई है, ना कि ये बोला गया कि ठीक है यूआर में अदर स्टेट के बच्चों को पूरा मौका मिलेगा, ऐसा क्लियर नहीं है। थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सर मेरे टोटल परसेंटेज 223 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। सर मेरा 236 नंबर, जी हाँ चांस बनेगा। जाति निवास कितने टाइम पुराना चलेगा? देखिए मैक्सिमम 6 महीना पुराना, ठीक है, तो अगर नया बनवा सकते तो बनवा लीजिए, 100-200 का बनता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों के लिए बहुत मदद की, बिल्कुल ठीक है। अभी आप लोग को पढ़कर टीचर भी बनना है। सर मेरा ग्रेजुएशन में 42% है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा ग्रेजुएशन में अगर जनरल कैटेगरी से आता है तो मिनिमम 50% होना चाहिए, और आरक्षित वर्ग में आता है तो 45% होना चाहिए। MGKVP में फाइनल ईयर का रिजल्ट CGPA में है, तो देखिए CGPA को पहले हमें परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज को फिर नंबर में बनाना है। अदर स्टेट में 150 प्लस बहुत ही मुश्किल रहेगा। एक बात याद रखिएगा, जब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है तो सबको मौका मिल जाता है, नहीं तो उससे पहले आपकी एक रैंक लिस्ट आती है और उसमें जो एक हायर लिमिट होती है उसके ऊपर के बच्चों को मौका भी नहीं दिया जाता। अगला सवाल, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म आपका 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। मेरिट बेस पर होगा या इंटरेस्ट? मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। सर फॉर्म कैसे भरना है ये बता रहे हो, मुझे समझ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है जहाँ से फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आप पहुँचेंगे। सर मेरे पास आया जाति निवास सब मई 2024 का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने बनवा लिया था फॉर्म के टाइम। स्नातक में 44.83 है, इसी को दोस्तों बोलते हैं किस्मत खराब होना। हमने बोला ना ये कम से कम 45% होना चाहिए आरक्षित वर्ग में। देखिएगा अभी फॉर्म भरते समय नंबर डालिएगा एक्सेप्ट होता है कि नहीं। सर मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ, EWS बनवाना पड़ेगा क्या? देखिए EWS सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है ना, जिन बच्चों को लगता है कि भैया उनका बेड़ा पार हो सकता है, सरकारी कॉलेज मिल सकता है, कुछ नंबर से कम पड़ रहा है, तो उनके लिए EWS परफेक्ट है। नहीं तो बच्चे जनरल से फॉर्म भरेंगे। तो चलिए आप लोग के कुछ और सवाल जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरा देखते हैं। पहले डायरेक्ट एडमिशन को लेकर आप में से हजारों बच्चे सवाल पूछते हैं, चलिए देखिए क्या लिखा है। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयन या काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर 100% प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर से सीधे प्रवेश या डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रत्यक्ष दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, जब 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो कॉलेज की 100% सीटें फुल करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस आएगा। इस प्रक्रिया हेतु कार्रवाई किए जाने के संबंध में कॉलेज में रिक्त सीटों प्रवेश की स्थिति के आवश्यकता अनुसार सुविचारित प्रस्ताव सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। ये डायरेक्ट एडमिशन की बातें हो गई। अब चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अलॉटमेंट फीस को लेकर। देखिए दोस्तों ये होता है आपका अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के या चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। अगर आपने 5,000 की एडवांस पेमेंट नहीं की तो आपको काउंसलिंग से बाहर रखा जाएगा। एक बात और देखिए, अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों को विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकता है, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। अब देखिए दोस्तों ये पैसा इसलिए लौटाया नहीं जाता ना कि जितने बच्चों को मौका दिया जाता है स्टेट रैंक के हिसाब से, उन बच्चों को यूपी के कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उस हिसाब से लिस्ट ही तैयार होती है, लेकिन बहुत से बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते। ठीक है चलिए ऊपर आते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर स्नातक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र निवास। ठीक है स्नातक में आपका प्रोविजनल से ही काम चलेगा फिलहाल, शपथ पत्र हमने आपको दिखा रखा है। चलिए अगला आते हैं। ये हमारी नोटिफिकेशन थी, 12 सितंबर को कल नोटिस आ चुका है, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होना, 9 अक्टूबर तक चलेगा। फॉर्म भरने के लिए 700 रुपये, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST में 500 रुपये, विकलांग में 200 रुपये। ठीक है ना, तो बाकी दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे।
एडमिशन फिलहाल आपका मेरिट के आधार पर होगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द, ताकि वेबसाइट डाउन ना हो जाए बाद में। सब कुछ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई और डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो पूछिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।